नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चंस आपके वन डे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सॉल्व किए जा रहे हैं। तो इस तरह के हम लोग अभी तक 17 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं। ये आपका 18वां टेस्ट है। कौन सा? 18वां। याद रखिए, पहले आप लोग कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ लें, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। और हमारी तरफ से भी आपको कंप्यूटर सामान्य ज्ञान पढ़ाया गया है, वो आपके कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसमें चैप्टर बाई चैप्टर सब कुछ आपको बताया गया। अच्छे से पढ़ लीजिए। इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोग उन चैप्टरों को प्लस जो हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, इन्हें कवर कर लेते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर आप लोग देख लीजिए। तो चलिए, 18वें क्वेश्चन का हम लोग 18वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सेल्स दो या अधिक चुने हुए सेल्स को कंबाइन कर एक सिंगल सेल क्रिएट करता है। मार्जिंग मार्जिंग सेल्स दो या अधिक चुने हुए सेल्स को कंबाइन कर एक सिंगल सेल क्रिएट करता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर एक में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का मुख्य भाग है, कंप्यूटर का मुख्य भाग है क्या है? कंप्यूटर का मुख्य भाग, इसका सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर का मुख्य भाग है सिस्टम यूनिट, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आता है आपका तीसरा, भारत के पास एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है, भारत के पास एक सुपर सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम। परम आपका भारत का सुपर कंप्यूटर है। याद रखिए, ये बदलते रहते हैं आंकड़े, कि और भी अब सुपर कंप्यूटर आ चुके हैं तो ऐसा मत लीजिए, लेकिन हाँ, भारत का पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर परम था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार की तरफ। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है आपका PDP-8। कौन सा? PDP-8 है। पांच, वे कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा जिनकी संग्रह क्षमता भी अधिक होती है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मेनफ्रेम कंप्यूटर। क्वेश्चन हमारा पांच में डी होगा, क्या आंसर होगा? मेनफ्रेम कंप्यूटर। क्वेश्चन है आपका छठवां, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। दो, डी ऑप्शन सही है छठवें क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा सात, क्या है साथ? रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं BIOS। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है आठ, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वाधिक पिछले सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वाधिक पिछले सॉफ्टवेयर है, सिस्टम आठ में आपका सी होगा, आठ में क्या होगा? सी। नौ, डेटा पर अंक गणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है, ALU। नौ में आपका सी होगा, नौ में क्या होगा? सी। क्वेश्चन है दस, हार्ड डिस्क की गति कितनी होती है? छत्तीस सौ यानी कि 3600 चक गति मिनट। डी ऑप्शन सही है दस में। क्वेश्चन है हमारा ग्यारह, क्या क्वेश्चन? इंटेल 80286 की क्षमता
कितने ट्रांजिस्टरों के बराबर होती है? तेरह हजार। ग्यारह में क्या होगा? सी। क्वेश्चन है 12। मैन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। मैन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। इनमें से कोई नहीं है। 12 में आपका ई होगा। 12 में क्या होगा? ई ऑप्शन। क्वेश्चन हमारा 13। वे कंप्यूटर जो सबसे अधिक संग्रह क्षमता वाले तथा सबसे अधिक गति वाले होते हैं कहलाते हैं। इसमें क्या होगा? सुपर कंप्यूटर। 13 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है आपका 14। अपने डॉक्यूमेंट के सभी मार्जिन्स को सेट करने की विधि को कहा जाता है। क्या कहते हैं? पेज सेटअप। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका ए होगा। 15। बेसिक कंप्यूटर भाषा है। बेसिक कंप्यूटर भाषा है चतुर्थ पीढ़ी की। 15 में आपका डी होगा। 15 में क्या होगा? डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या है 16? इनमें से हाई लेवल लैंग्वेज है कौन सी है? निम्न में से हाई लेवल लैंग्वेज है। इनमें से कोई नहीं। 16 में आपका ई होगा। 16 में ई। क्वेश्चन है 17। मूल आस्की सूची में कुल कितने कूट होते हैं? क्या है? मूल आस्की सूची में कुल कितने कूट हैं? 128। 17 में आपका सी। 18। निम्न में से कौन सी नवीन उपयोग में आने वाली कंप्यूटर भाषा है? निम्न में से कौन सी नवीन उपयोग में आने वाली कंप्यूटर भाषा है? सी। क्वेश्चन है हमारा 19। आईबीएम की कंप्यूटर श्रृंखला जो माइक्रो चैनल संरचना एमसीए पर आधारित है। PS2। क्या है? PS2। लॉट्स 103, 123 यानी कि 1, 2, 3। एप्लीकेशन प्रोग्राम का आधिकारिक प्रोग्राम निम्न में से कौन सा है? विंडो। 20 में आपका ए है। क्वेश्चन है आपका 21। आई आर एम के घटक हैं। डाटा प्रोसेसिंग, ऑफिस इंफॉर्मेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ये सभी। 21 में आपका ई होगा। 21 में क्या होगा? ई। 22। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर के उदाहरण है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, फोटोशॉप, ये सभी। 22 में आपका ई होगा। क्वेश्चन हमारा 23। मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क स्थापित करता है। मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क स्थापित करता है। 23 में क्या होगा आपका?
सॉफ्टवेयर। तेईस में आपका ए। क्वेश्चन है हमारा 24, कीबोर्ड के प्रकार हैं, कीबोर्ड के प्रकार हैं सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड, ए बी दोनों होगा। 24 में क्या होगा? डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी दो बार दबाते हैं और छोड़ते हैं, तब आप करते हैं, क्या करते हैं आप? डबल क्लिकिंग। 25 में आपका सी है। 25 में क्या है? सी। क्वेश्चन है आपका 26। टाइम शेयरिंग सिस्टम के विषय में कौन सी बात सत्य है? टाइम शेयरिंग सिस्टम के विषय में कौन सी बात सत्य है? प्रत्येक कार्य को समान टाइम स्लॉट किया जाता है। 26 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है हमारा 27। दो कंप्यूटर जिस सब रफ्तार से डेटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन स्पीड या रेट। 27 में आपका ए होगा। 27 में क्या होगा? ए। क्वेश्चन है 28। क्या है? डॉक्यूमेंट के दाएं ऊपरी कोने पर स्थित तीन बटनों को कहते हैं? कंट्रोल बटन। 28 में आपका ई है। क्वेश्चन है हमारा 29। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट। 29 में आपका ए होगा। 29 में क्या होगा? ए। क्वेश्चन है आपका 30। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है टेस्टिंग। 30 में आपका बी होगा। 30 में क्या होगा? बी। क्वेश्चन है 31। कंप्यूटर सिस्टम में के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा में प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? कीबोर्ड। इकतीस में आपका ए होगा। 31 में क्या होगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 32। क्वेश्चन क्या है? 32। अपने ईमेल अकाउंट से बाहर आने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? साइन आउट। 32 में आपका सी होगा। 33। शॉर्टकट कीज के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए प्रेस कीजिए। कंट्रोल प्लस ई। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है हमारा 34। मल्टीप्लेक्सिंग में पथ तथा चैनल शामिल होते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग में एक पथ तथा बहुत चैनल शामिल होते हैं। 34 में आपका 34 में क्या होगा? बी। क्वेश्चन है हमारा 35। एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र एंटर करता है?
फॉर्मूला वार, 35 में आपका सी होगा, 35 में क्या होगा सी। क्वेश्चन है हमारा 36, क्या है, एक बैंक 32 बिट डाटा वाले 486 सिस्टम को पॉपुलेट करने के लिए कितने यानी कि 30 बिट SIMMS की आवश्यकता पड़ेगी। 4, 36 में आपका सी होगा। 37, जब सिस्टम को पावर दी जाती है तब डेटा को बैटरी की लाइफ के साथ मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर BIOS में क्या रहता है। CMOS। 37 में आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 100 पोस्ट श्रृंखला एरर कोड किस समस्या को प्रदर्शित करता है। सिस्टम बोर्ड। 38 में आपका सी होगा। उनतालीस, जब कंप्यूटर BIOS में सेट डाउनिंग डाला जाता है तब है विभिन्न रोम चिप में संगीत निर्देश कॉपी किए जाते हैं। 39 में आपका ए है। 40, निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस में वेब अधिकतम तथा न्यूनतम जूम साइज दर्शाता है। 100, 10 एवं 100। क्वेश्चन है हमारा 41, याद रखिए 40 में आपका, 40 में माफ करिएगा एक सेकंड, 40 में होगा आपका बी। निम्नलिखित में से कौन एमएस ऑफिस में वेब अधिकतम न्यूनतम जूम साइज दर्शाता है। तो 220 और 250। याद रखिए अगर इस तरह के क्वेश्चंस गलती हो जाती है कभी मुझसे तो आप लोग उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिएगा, जिससे कोई दूसरा आता है तो उसे सही आंसर पता चल सके। मेरी तरफ से तो वैसे पूरी कोशिश रहती है कि आपको सही ही आंसर बताया जाए, लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है तो उसे सही करके कमेंट बॉक्स में लिख दिया करेगा, ठीक। 41, स्टोरेज डिवाइस पर जो मैन फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं। रूट डायरेक्टरी। 41 में आपका सी। क्वेश्चन है हमारा 42, जब आप पीसी बूट अप करते हैं तो क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। 42 में आपका ए होगा। 42 में क्या होगा ए। 43, ईमेल भेजना जैसा है कैसा है, पत्र लिखने के। 43 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है 44, किसी सिंगल एंटिटी संबंधी डेटा का व्यवस्थित कलेक्शन है क्या है। डेटाबेस। 44 में आपका सी होगा। क्वेश्चन हमारा 45, क्या है क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर के डेटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रेवल कर सकता है कहते हैं उसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं हम लोग वायरस। क्या कहते हैं, वायरस, जो आपके कंप्यूटर को के डेटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। 45 में आपका डी होगा।
क्वेश्चन है मात्र 46। आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्ति कंप्यूटरों लैपटॉपों की कीबोर्ड के नाम से लोकप्रिय है। QWERTY क्या होगा इसमें? इसमें होगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। 47। एक ऐसा प्लेयर जिससे ऑडियो व वीडियो सीडी को चलाया जा सकता है। MPEG। 47 में क्या होगा ए। क्वेश्चन है 48। आधुनिक मैन फ्रेम डिजिटल कंप्यूटर की क्षमता है। आधुनिक मैन फ्रेम डिजिटल कंप्यूटर की क्षमता है 10^-12 MB पर सेकेंड। 48 में आपका डी होगा। 49। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? डिस्क ड्राइव में। क्वेश्चन है हमारा 50। आईटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो आपके आईटी ये संक्षिप्त नाम है, इसी तरह के जितने भी आपके कंप्यूटर से संबंधित शॉर्ट फॉर्म है, इनके लिए अलग से हम लोगों ने क्लास ली हुई है। वो सभी क्लासें भी आपकी उसी में डली हुई हैं। तो एक बार आप लोग कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसे कवर कर लीजिए। उसमें जितने भी लेक्चर पड़े हुए हैं और उसे कवर कर लीजिए। उसके बाद बताइए कि आपका कौन सा क्वेश्चन छूटा है। नहीं छूटेगा उसके बाद, अगर आप लोग उसे सॉल्व कर लेते हैं या उसे कवर कर लेते हैं तो आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में होंगे और बेहतर तरीके से, ठीक है। तो ये था आपका 18वां टेस्ट। 19वें टेस्ट के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे।